साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं आपकी फ्लैट ही जा रही थी। अच्छा हुआ आप यहीं पे मिल गए। क्या काम था वैसे? साहब हमारे भाई ना बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर किया है, तो उसी की खुशी में मिठाई लेके आई थी आपके लिए। अच्छा, तुम जैसे फटीचरों के भी ना भाई अब बड़े बड़े एग्जाम क्लियर करने लग गए, तो हम जैसे लोगों को तो डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास इतना पैसा है, हम लोग तो इतने बड़े बड़े एग्जाम क्लियर नहीं करते, तो तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा एग्जाम क्लियर करा। वैसे किस चीज का एग्जाम दिया है तुम्हारे भाई ने? साहब वो उसे क्या बोलते हैं, वो तो मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन उसने ना बहुत बड़ा पोस्ट हासिल किया, इतना तो मुझे पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे समझ में आ गया। तेरे भाई ने एमसीडी वगैरह के पेपर दिए होंगे, उसी में सिलेक्शन हुआ होगा, क्योंकि तुम जैसे लोग वही काम कर सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ आता नहीं है तुम्हें। नहीं नहीं साहब, उसको ना बड़ी पोस्ट मिली है, बस वो मुझे ना समझ नहीं आ रहा उसको बोलते क्या है। अरे तुझे समझ में आ जाएगा, तो तुम जैसे को हम गरीब क्यों बोलेंगे? इसीलिए तो गरीब बोलेंगे क्योंकि तुम लोगों की औकात ही यही है, तुम लोगों को समझ में आता नहीं है, हमारे घर में काम करते हो। अब तूने हमारे घर से काम छोड़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी औकात भूल जाएगी। औकात तेरी आज भी वही वाली है जो तू हमारे घर में पोछा लगा के जाती थी, झाड़ू लगाती थी और बर्तन वगैरह साफ करती थी। भूल गई क्या वो दिन जब तुझे हम पकार दिया करते थे? वो तो सोच कि हमारे घर से तेरा घर चल रहा था। साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अच्छा तो कैसा बोलूं, ऐसा करता हूँ ना, अंदर से आरती मंगवा लेता हूँ, तेरी उतार देता हूँ, शायद मुझे कुछ पुण्य मिल जाए। नहीं नहीं साहब, आपको ही देखकर तो मैंने अपने भाई को इतनी पढ़ाई लिखाई कि वो अच्छा इंसान बन सके। आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारा भाई अच्छा पोस्ट हासिल किया है। आप ऐसे कीजिए ना, मिठाई खाइए। मिठाई? ये मिठाई मैं खाऊंगा? अच्छा काजल, ये लो मिठाई और इसे भी कूड़ेदान में डाल दो जाके। ये क्या कर रहे हैं सर? मैंने आपके लिए इतनी प्यार से लेके आई हूँ और आप कूड़ेदान में डलवा रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ, प्यार से ले तो ली, अब मैं इस मिठाई का चाहे जो कुछ करूँ। काजल इसे कूड़ेदान में डाल जाके। सर इसको कूड़ेदान में क्यों डाल रहे हो? ये घर ले जाऊंगी ना, मेरे छोटे भाई बहन वो खा लेंगे। अच्छा ठीक है, ले जाओ इसे अपने घर। देख रही हो, ये हमारे घर की नई नौकरानी है और तुमसे कम ही पैसे लेती है और काम भी बहुत अच्छा करती है, इसे बोलते हैं असली नौकर। तुम्हारी तरह नहीं, हमारे घर पे काम किया और हम ही से नमक हरामी कर रहे हो हैं? ये सिखाया था तुम्हारे माँ बाप ने कि जिसके घर खाते हैं उसी के घर में छेद करते हैं? तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जाता हूँ, जिस थाली में खाते हो ना उसी थाली में छेद करते हो। आज तुम्हारे भाई ने एक बड़ा एग्जाम क्या क्लियर कर दिया, तुम मुझे मेरी औकात याद दिलाने आई हो? अरे कितना ही बड़ा एग्जाम क्लियर कर दिया होगा, रहा होगा यही कोई छोटा मोटा क्लर्क वगैरह बन गया होगा, इससे ज्यादा और तुम्हारी औकात नहीं है उसे पढ़ाने लिखाने की। आए बड़े हमारी औकात याद दिलाने वाले। दीदी मिठाई नहीं खिलाई आपने? भाई मैंने दे तो दिया लेकिन ये घर के नौकर को दे दी है। अच्छा तो ये तेरा भाई है, इसके ऊपर तूने पैसा खर्च कराया? हाँ भाई, कौन सी पोस्ट हासिल करी है तूने? बड़ी ढींगे हाँक रही है तेरी बहन कि तूने बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर करा है। कौन सा एग्जाम क्लियर करा है, आईएएस आईपीएस का एग्जाम दिया है क्या? क्योंकि मेरी नजर में तो वही बहुत बड़ा एग्जाम होता है, बाकी तेरी हालत तो देख के लग नहीं रहा कि तूने इतना बड़ा एग्जाम दिया होगा। आईएएस का एग्जाम दिया था। आईएएस का? हाँ, मुझे तो लगा था कि दीदी आपको मिठाई देंगी तो आप खुश हो जाओगे। सर आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपने आईएएस का एग्जाम क्लियर करा है। मुझे तो लगा था कि आप बहुत खुश होंगे क्योंकि दीदी आपकी तारीफ इतनी करती थी। मैंने कहा दीदी सबसे पहले जाके सर को मिठाई खिलाना और उनको कहना कि उनकी प्रेरणा की वजह से ये एग्जाम क्लियर हुआ है, लेकिन मैं गलत था। मेरी दीदी है इतनी भोली कि उनको लगता है कि हर कोई उनका सपोर्ट करना चाहता है, हर कोई उनका साथ देता है, लेकिन आपका नेचर देख के तो मुझे ये लगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी दीदी को हर समय नीचा दिखाते थे, कभी आपने उनके साथ अच्छा किया ही नहीं। और मैं भी खामखा यही सोचता रहा, दीदी बोलती थी बड़े साहब ऐसे हैं, बड़े साहब ऐसे हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि अपने भाई को पढ़ाओ, लेकिन आपको देख के नहीं लग रहा कि आप दूसरों को तो छोड़ो अपने घर के किसी मेंबर को भी मोटिवेट करते होंगे, क्योंकि आप जैसे लोग ना ये सोचते हैं हमें जो पोजीशन मिल गई मिल गई, लेकिन हम किसी और को उस पोजीशन पे नहीं आने देंगे। इसलिए आप जैसे लोग हम जैसे लोगों को छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा समझ लेते हैं और ये सोचते हैं कि हम लोगों को छोटी मोटी कोई क्लर्क की नौकरी मिल जाएगी। वैसे छोटी मोटी क्लर्क की नौकरी भी ना उस नौकरी से बहुत बेहतर है जो सिफारिश से मिली हो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना मिस्टर अजगर? क्योंकि थाने में आने के बाद मुझे आपकी हिस्ट्री तो पूरी तरह पता लगी गई थी जब मैं राउंड पे गया था, लेकिन मैंने ये सोचा क्या हुआ आपको नौकरी बेशक सिफारिश से मिली हो, लेकिन आप है तो एक ईमानदार पुलिस वाले। लेकिन
आप इतना ज्यादा बुरा सलूक किए मेरे साथ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गरीब होना कोई गुनाह नहीं होता है। मैंने आपके यहाँ झाड़ू पोछा किया, साफ सफाई का काम किया, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अपने भाई को आगे बढ़ाना चाहती थी। ठीक है सर, हम लोग चलते हैं। प्रीति मुझे सच में माफ कर देना, मेरा वो अटेंशन बिल्कुल नहीं था। वो घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा था, इसीलिए मैंने वो सारा गुस्सा ना तुम पे निकाल दिया। और जो मोटिवेट मैंने किया था ना, वो मैंने सच में अपने दिल से ही किया था। बाकी आपको तो पता ही है कि घर का गुस्सा बाहर निकलता ही निकलता है, तो मेरी बातों का पूरा मत मानना। और बाकी सर आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप IAS ऑफिसर हो। कोई बात नहीं, लेकिन शब्दों को ज़रा संभाल के यूज़ करा करो। जी सर। क्योंकि शब्द बहुत अनमोल होते हैं। चले दीदी।